हाय गाइस, वेलकम बैक टू नए वीडियो में आपका दोस्त प्रतीक, आपका स्वागत है आपकी चैनल लेबल गेमर में। एंड सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कंप्लीट ऑल लीजन क्वेस्ट। तो कई लोग होते हैं जो लीजन क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेस्ट होता है, देखिए ये सारे क्वेस्ट, स्पीड अप टू लीजन फ्रेंड्स, ये लेजेंड होती है। एंड सबसे पहले क्वेस्ट होता है स्पीड अप टू लीजन फ्रेंड्स इन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग भी आप किसी का भी कर दीजिए, वो तो मैं किसी का भी कर देता हूँ जिसका भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है गाइस। एंड बजट 3 का कर दिया था मैंने। तो अब ये करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है बैटल एनल। तो ये मैं अभी क्वेस्ट करके आता हूँ। तो ये गए हम पीछे। एंड गाइस मैं जो है वो वाला क्वेस्ट करके आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन वाली लाइन आगे बढ़ चुकी है एंड ये भी हमारा हो चुके। अब होता है एक्सप्लोर पुलाना केव 10 times, ये वाला क्वेस्ट। तो अब ये क्या होता है, ये जो होता है ना ट्रेनिंग हाउस फार्म वाला, तो वहाँ पे होता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए ट्रेनिंग हाउस एंड ये वाली केव होती है। तो इसमें आपको मतलब ये जो होते हैं ना ऊपर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कि 100 होती है, इसे आप तो बस 50 ही करना है। आप पूरी 100 के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है, लेकिन क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ ओनली 50 कंज्यूम करने हैं। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, मैं किसी के भी साथ नहीं लड़ता जब मैं क्वेस्ट कर रहा होता हूँ। जब मैं फ्री बैठा होता हूँ तो मैं सबके साथ लड़ता हूँ। तो आप देखिए मैंने ये जो है 50 के 50 कर दिए। एंड अब जो नेक्स्ट वो होता है मैं आपको बता देता हूँ क्या मैसेज लिखा है। ओके स्पीड अप का ही है। तो अब जो है आपको ये देखिए, ये जो हमारे पौधे नहीं होते हैं इन्हें आपको, अगर आपके होए हुए हैं तो आपको उठा लेना है, अगर आपके नहीं होए हुए तो आपको इन्हें ना मतलब सीड को मतलब वो करना है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब लगा देना है। तो उस वो भी एक क्वेस्ट होता है, आपको इकट्ठे करने का क्वेस्ट नहीं होता, आपको सीडिंग करने का क्वेस्ट होता है। तो जल्दी से आप सारी जो अपने सीड है वो सीड कर दीजिए। तो मैंने आधे कर दिए एंड 2 ही रह गए। अरे ये कौन सा खुल गया, बैक कैसे जाऊँ। ओके हाँ चलो, ये लास्ट वाला भी मैंने कर दिया। एंड जो अगला काम होता है हमारा वर्कशॉप का, उस पर आपको ये जो मैच मेकिंग होता है ना वर्कशॉप वाला मैच मेकिंग, इसे ओनली 3 times करना है। जैसे मैंने 1 कर दिया, ये हो गया मेरा 2 एंड ये हो गया मेरा 3। तो हमने इजीली 3 times कर दिया। एंड अब देखिए ये हमारी जो ग्रीन थी वो ब्लू हो येलो हो चुकी है। एंड मैंने जो अपना सारा फार्म का काम पूरा कर दिया, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेस्ट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट होता है लूट सक्सीड 4-5 times इन ट्रेजर हंटिंग। तो ये क्या होता है, जो हमारी मतलब ट्रेजर हंट करने वाली शिप नहीं होती, उसे हमने 3 बार लूट नहीं करना होता, 5 बार लूट करना होता है। तो मैं आपको ओनली 1 time लूट करके दिखाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं कट करके इसे लास्ट वाली टाइम आपको दिखा दूँगा। वैसे मैं हरा तो देता लेकिन अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी, हाँ चलो ये ठीक है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। अपने जैप दोस्त को भी भेजते हैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, एकदम एडिटिंग रिकॉर्डिंग मुंह और आवाज़ डालते डालते वीडियो में मुंह थक जाता है, तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक कर दीजिए। अभी मेरा जैप डोज खूब चल रहा है मैनुअल पे। एंड ओके ओनली 2 पोकेमोन्स रह चुके हैं, बैगोन ओके ड्रीपी एंड ये क्या नाम है इसका, एल्टारिया, ये स्टार्टिंग में मिलती। तो हमने जल्दी से कर दिया। एंड अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है यहाँ पे। ओके तो हमें 3 times मिल चुके हैं। अब मैं आपको सीधा जो है लास्ट वाली शिप दिखाता हूँ। तो ये लास्ट वाली शिप रह गई थी ये लास्ट टाइम, तो ग्लिस्कोर ओके नहीं गया। ओके सो हमने जल्दी से कर दिया एंड ये थी हमारी लास्ट शिप। तो हमें यहाँ से भी 3 diamond मिल चुके हैं। तो आराम से 15 diamond अगर आप इसकी क्वेस्ट करते हो तो आपको 15 diamond और क्वेस्ट दोनों मिल जाते हैं।
एंड ये देखिए अब येलो लाइन आगे आ चुकी है एंड ये हो गया। सो अब है डोनेट 10 टाइम इन लीजन, और ये क्रॉस सर्वर बैटर एंड ये लीजन फ्रेंड्स वाली शिप एंड ये एक्टिवनेस पॉइंट। ये 2-3 पॉइंट रह चुके, तो एक्टिवनेस का जो है वो बाद में मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं डोनेट कर देता हूँ जल्दी से। मैं मेंबर्स और जो है एक्सपी में डोनेट करता हूँ, एक्सपी है ना, ठीक है। 2 ये 1 टाइम रह गया एंड 1 टाइम भी हो चुका है एंड एक्सपी, हाँ एक्सपी है तो ये भी हो चुका है। एंड मैं केनेट लीजन में हूँ जिससे कि मेरी सीएफ बढ़ गई है वो भी 10,000 से। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो है ना लोग एकदम रेगुलर, ये देखिए अब हमारे ये रेड के आसपास पहुँच चुके हैं एंड डोनेट 10 टाइम्स वाला भी हो चुका है। ये देखिए अब जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पीड अप दी लीजन फ्रेंड्स शिप। तो ये जो होते हैं आपके लीजन फ्रेंड्स वो आपको ना भेजते रहते हैं शिप, आपकी शिप स्पीड अप करने के मैसेज, तो वो कर देना। अभी ये एक भेज रहा था, मुझे नाम नहीं याद रहा, स्क्विटल पता नहीं क्या नाम रखा है, वैसे तो पढ़ा ही नहीं जाते एक तो मैं इनकी कर देता हूँ। ओके एक चांस और बचे लेकिन मुझे अब वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा क्वेस्ट हो चुका है। एंड ये देखिए रेड लाइन आगे बढ़ चुकी है एंड हमारा वो भी हो चुका है, ये देखिए। एंड जो अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो नेक्स्ट क्वेस्ट होते हैं हमारे, ये जो 100 बेटर रिस्पॉन्स डेली एक्टिवेस नीचे 500 ये 700, तो ये क्या होता है जो हमारा पोकेमोन पैलेस होते हैं ना गाइस, पोकेमोन पैलेस और हमारा कॉम्बैट सेंटर, उस पर आपको जो है फाइट करनी होती है। जैसे कि इनके आप देख सकते हैं 144 1000 है एंड नीचे बर्च के 1051 है एंड मेरे बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि मैं गेम बहुत खेलता हूँ लेकिन गेम खेलने से ये ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, हेल्प में देखिए यहाँ पे सेकंड वाला पोकेमोन पैलेस पास 1 लेवल टू गेट 50 एक्टिवनेस पॉइंट, ठीक है। एंड यहाँ पे मास्टर लीग मैच ऑनलाइन चैलेंज, तो यहाँ पे अगर आप एक मैच खेलेंगे तो आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। वो कॉम्बैट सेंटर वाले जो वो होते हैं ना ऑनलाइन चैलेंज वही होते हैं, 20 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं और 50 पोकेमोन पैलेस में से मिल सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे जो है ये देखिए कॉम्बैट सेंटर वाला एंड ये पोकेमोन पैलेस का होता है, ये देखिए ठीक है गाइस। सो मैं इसे जो है जल्दी से आपको अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी देखो मैंने आपको सुबह जो है नेक्स्ट डे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिबल क्रॉस बटन बैटल चैलेंज ये वाले, तो इसमें क्या होता है जो आप हमारे इंडियन क्लॉक में टाइम होता है ना 9:30, ओके रात के मतलब 9:30, तो तब आपको यहाँ पे मैचेस खेलने होते हैं। जैसे कि आप अभी देखिए ये देखिए यहाँ पे 11 to 14, तो मतलब यहाँ पे देखिए गेम में अभी 9:30 टाइम चल रहा है, तो गेम वाला नहीं करना है आपको, आपको जब इंडियन क्लॉक में 9:30 हो जाएंगे ना रात के तब आपको 10 बैटल्स खेलने हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। पीक टॉप में आपको उन 10 बैटल में से 3 बैटल जीतने हैं ताकि आपका ये वाला हो जाए एंड टोटल 5 बैटल जीतने होते हैं, 3 भी उसमें ही गिना जाता है और 5 भी उसमें ही गिना जाता है। तो यहाँ ये इस तरह से आपके जो है सारे क्वेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसका मैं एक और टिप बता देता हूँ डेली एक्टिवनेस का, जितनी आप VI खर्च करोगे ना, जितनी VI खर्च करोगे आप, ठीक है, तो उतनी आपको मतलब आपने 10 करी है तो आपको 10 एक्टिवनेस पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 20 करिए तो 20, ऐसे मैंने देखी है, एक दिन में फुल एक दिन करा था जेम चेस्ट एडवांस चेस्ट मीडियम चेस्ट प्रीमरी चेस्ट, ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारा कर दिया था। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है क्योंकि मैंने आपको A to Z पूरी डिटेल्स दिखाई है इसमें। एंड मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जो हमारे 21 या फिर 22 अक्टूबर नहीं है वहाँ पे एक ना इवेंट आते हैं जिसमें आपको रेड एनवलप देखने को मिल जाते हैं, वो होता है DD इवेंट डबल ड्रॉप इवेंट, तो उसके लिए आपको ना अपनी जैसे आप जेबडोस की ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो आपको ज़्यादा टॉयज चाहिए एकदम, तो उस इवेंट के लिए अपना VI बचा के रखिए जैसे मैं बचा रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी आज मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसके बाद 5 डेज़ है एंड 5 डेज़ में आप आराम से
अपने ये देखिए मेरा ब्लैजिकिन, मैं सबसे पहले अपना जेबडोस मेका करूँगा फिर ब्लैजिकिन, ठीक है। एंड अभी 5 डेज रह चुके हैं, तो 5 डेज में भी आप आराम से 1500 VI अच्छे से कर सकते हैं। मेरे सारे जो गोल्डन टॉय है वो हो चुके हैं, और मोल्ट्रेस के 2 है, क्योंकि मोल्ट्रेस जो है 2 में आती है। एंड मैंने सारे कर लिए, क्योंकि ना ये देखो 2 जो है मतलब 200 VI वो तो आपको डायमंड देके मिल जाती है, जो कि 100 डायमंड होते हैं उससे तो मिल जाती है। एंड जो 100 VI होती है ये देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा इंडियन क्लॉक में ये देखिए फैंसी लंच जिनका आता है, या जब गेम टाइम में रात के 12 बजेंगे और हमारी घड़ी में इंडियन क्लॉक में जब रात के 10:30 बजेंगे मतलब 10:30 बजेंगे तब ये आपको क्लाइम कर लेना, ये ऊपर ही आया होता है, क्लाइम करने के लिए ऊपर ही होता है, तो यहाँ से आप इसे क्लाइम कर सकते हैं, ठीक है, स्टेमिना बोलते इसे, तो यहाँ से आप इसे क्लाइम कर सकते हैं, रोज़ आप 300 कर सकते हैं। एंड अब 5 डेज रह गए तो आराम से आप 1500 कर सकते हैं। एंड ये वो 2 वाला, तो कैसे हमारी मतलब मेरी एक दोस्त है जिसका नाम लक्षिता, उसका एक अपना यूट्यूब चैनल है, तो मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ के नमन है, प्लीज़ आप उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाती है। अब गाइस मैं आपसे जो है सुबह मिलूँगा नेक्स्ट डे, दिखाऊंगा कि मैंने पूरी रात बैठ के क्या क्या कारनामे करे, मतलब मैंने पूरा कॉन्वेंट सेंटर का सब कुछ कर दिया। तो अब मिल लूँगा मैं आपको सुबह, ठीक है गाइस। एंड मैं जो है इतनी VI इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से अपने ब्लैजिकिन की ये देखिए स्पेशल ट्रेनिंग भी आप इससे कर सकते हैं, मतलब जो VI मतलब डबल ड्रॉप इवेंट होते हैं ना, उसमें से आप ना मतलब अपनी स्पेशल ट्रेनिंग में भी डबल मिलते हैं, जैसे आपको 3 मिलते हैं एक में तो आपको वो 6 मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी अच्छी होती है। एंड अब मिलते हैं सुबह। सो हाय गाइस, मैं अब सुबह उठ चुका हूँ, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जम चेस्ट के एकदम पास हूँ मैं। एंड ये देखिए पोकेमॉन पैलेस में ये मैंने सबको हराया था रात भर बैठ के। अब देखिए जो भी फर्स्ट आया, देखिए जेब्रोस भेजते हैं, एंड जल्दी से जो मैं इन्हें हरा देता हूँ। तो अब लोडिंग हो चुकी है, इनका आर्टिक्यूनो है, मेरा जो है मेरा जेब्रोस है, एंड जल्दी से ठंडा बॉल मारता हूँ। ओके चला गया फर्स्ट बारी में। एंड ये देखिए, अरे स्नोलैक्स आ गए, अरे भाई थोड़ी सी बच गई है, चलो कोई बात नहीं, स्नोलैक्स भी चले गए हैं। एंड अब स्टार्मी आ चुकी है, तो गाइस लास्ट पोकेमोन ब्लैजिकिन बचा था, एंड मैंने ब्लैजिकिन को भी हरा डाला है। एंड क्लाइम भी कर लेता हूँ, ओके क्या मिला है, ओके ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलता फर्स्ट में। एंड अब देखिए ये देखिए फुल हो चुके हैं ना हमारे 700, पहले 650 थे। अब मैं सारों को क्लाइम करता हूँ जिससे कि मुझे एक अच्छे खासे मतलब लीजन जो ये होते हैं ना लीजन क्वेस्ट के पॉइंट्स ये भी मिल जाएंगे, एंड मेरी सारी जेम चेस्ट वगैरह वगैरह सब चेस्ट भी मुझे मिल जाएंगे। तो ये 10 टाइम डोनेट वाला 100, अरे वाह यहाँ से अच्छे मिलते थे, 5 टाइम्स फायर शिप लूट करने वाला, ओके 500 टाइम फार्म करने वाला, 10 टाइम एक्सप्लोर करने वाला बैटल, तो बस यही थे। एंड अब मैं आपको नॉर्मल चेस्ट, रेयर चेस्ट, एपिक चेस्ट, और मैं आपको एक और चेस्ट देना चाहता हूँ, ये जो हमारी जेम चेस्ट होती है लास्ट वाली, इसे आप कम से कम 10 डेज इकट्ठा करिए, जब ये 10 डेज 10 हो जाएंगी ना तब आप इन्हें एक साथ ओपन करिए, 20-30% चांस होता है आपको टायर 300 टिकट्स मिलेगा। वैसे मेरे पास 2 ही है, तो मैं आपको 2 ही ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले लूट वॉर के, ओके कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, प्राइमरी चेस्ट ओके, मीडियम चेस्ट ओके, टॉय मिल गए हैं, एडवांस चेस्ट ओके, लैब पेस्ट का टॉय, एंड ये लास्ट वाली चेस्ट ओके, सोर्स ऑफ मिस्ट्री या